यहाँ से बड़ी अच्छी फील आती है, ओपन ओपन सी आपको व्यू हर तरफ से ग्रीन ग्रीन नजर आता है जी, माशाल्लाह ब्यूटीफुल जो है इसकी एंट्रेंस है, बड़ी अच्छी डबल हाइटेड आपको यहाँ पर जी ओल्ड स्टाइल को जो है वो रिमाइंड करा रही है। हाइट इज नॉट गुड, सो मैं ऊपर चढ़ के इसको खोल के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है जी, जी उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। DHA फेस टू इस्लामाबाद में मौजूद है, एक नए एक कनाल के घर को आपके पास लेके आया हूँ। सबसे पहले अगर इसकी एलिवेशन को डिस्कस कर लें तो आप देख सकते हैं लाइट और डार्क कलर का इस्तेमाल किया गया, और सारे घर की एलिवेशन में आपको टाइल मिल जाएगी पत्थर स्टाइल में। और अगर आप यहाँ पर थोड़ा फोकस कर दें तो आपको बाहर थोड़ा सा गार्डन एरिया मिल जाता है, जिसमें बड़े प्यारे से फूल लगाए गए हैं और दो छोटे छोटे आपको दरख्त भी मिल जाते हैं। और अगर हम गेट की बात करें, गेट से पहले बल्कि हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर टाइल का इस्तेमाल किया गया। नॉर्मली आपको टफ टाइल मिलती है, लेकिन ये प्रॉपर टाइल का इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद आपको बहुत बड़ा काफ़ी अच्छी लेंथ है इसकी, आप देख सकते हैं। इसको वुडन स्टाइल में आयरन गेट, स्लाइडिंग गेट का इस्तेमाल किया गया। इसमें ब्लैक और यहाँ पर जो कलर किया गया है ये वुडन स्टाइल में किया गया है। अगर हम घर के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको सबसे पहले कार पोर्च मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन तीन गाड़ियां आराम से पार्क हो सकती हैं। छोटी टाइल का इस्तेमाल किया गया है, बड़ी प्यारी लग रही है। और यहाँ आयरन का जो आपको रूफ मिल जाता है विद वुडन जो है सीलिंग्स। इसके बाद अगर साइड पर हम देखें तो गार्डन एरिया आपको मिल जाता है, यहाँ पर भी प्रॉपर घास लगाई गई है और साइड्स पे आपको बड़े प्यारे फूल मिल जाते हैं। साइड्स की बात करें दोनों तरफ तो बड़ा अच्छा डेकोरेट किया गया है ऑनर ने इसकी साइड्स को। मैं आपको रूम्स के अंदर से इनका व्यू दिखाऊंगा। मेन एंट्रेंस की तरफ आते हैं तो बड़ी वेलकमिंग सी मेन एंट्रेंस है। यहाँ पर एक स्टेप के साथ यहाँ पर बड़ी अच्छी सी स्लैब्स का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर ये पत्थर की स्लैब्स लगी हुई हैं, बड़ा अच्छा यहाँ पर जो है वो ग्रीन किया गया इसको, बड़ी अच्छी वेलकमिंग सी एंट्रेंस है, सेम पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। अगर एंट्रेंस के मेन एंट्रेंस के डोर की बात करें तो ये सॉलिड वुडन डोर है, बहुत अच्छे बड़े से यहाँ पर इसके हैंडल्स लगाए गए हैं। सब हैंडल्स आपको कवर्ड मिलेंगे क्योंकि डस्ट का मसला होता है, तो ताकि सेफ रहे आपके लिए, न्यू रहे। अंदर चलते हैं जी, अंदर देखते हैं आपको। माशाल्लाह ब्यूटीफुल जो है इसकी एंट्रेंस है, बड़ी अच्छी डबल हाइटेड आपको यहाँ पर इसको आप डाइनिंग भी बना सकते हैं और इसको आप लाउंज भी बना सकते हैं। ऑल दो के लाउंज अलग से दिया गया है। यहाँ पर हम यहाँ पर देख लेते हैं, पाउडर रूम है। पाउडर रूम का साइज बड़ा अच्छा है, बस इसका यहाँ पर आपको कोरियन का टॉप मिल जाता है, वॉश एरिया ठीक है, बहुत अच्छा बड़े साइज का मिरर मिल जाता है, प्लस आपको जो है वो टॉयलेट मिल जाता है। अच्छा जी, सब यहाँ पर देख लेते हैं जी। सबसे पहले हम ड्राइंग रूम में एंटर होते हैं। ड्राइंग रूम में आपको बड़ा प्यारा सा यहाँ पर शैंडलियर मिल जाता है और प्यारी सी लाइट लगाई गई है। यहाँ पे देख रहा था, ये बहुत प्यारी यहाँ पर टाइल लगाई गई है। इसमें बड़े अच्छे कॉम्बिनेशन है कलर्स के, काफी सारे कलर्स हैं इसमें, ब्लू है, गोल्डन है और पत्थर जो मरमर का कलर होता है वो उस तरह का डिजाइन है। ये प्रॉपर टाइल, बहुत बड़ी टाइल है, मिल जाती है आपको। टू साइड ओपन है इसकी, यहाँ से स्लाइडिंग विंडो है और ये एल्यूमिनियम की विंडोज का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर। और इसको ऊपर आप शैंडलियर भी दिखा दीजिएगा, बहुत प्यारा शैंडलियर लगा हुआ है। और वो डोर्स जो है वो मैं बताता चलूं कि सारे घर में प्रॉपर वुडन डोर्स का इस्तेमाल किया गया और बड़ी अच्छी हाइट है इन डोर्स की और काफी अच्छी विड्थ। यहाँ पर आपको एक स्टेप के साथ ये डाइनिंग एरिया बनाया गया है और ये प्रॉपर वुडन फ्लोरिंग है। यहाँ पर बहुत ही प्यारा यहाँ पर आपको शैंडलियर मिल जाता है, प्लस यहाँ पर हाइट डबल होने की वजह से बड़ी ओपन ओपन फील आ रही है। और यहाँ पर आप इसको आप लाउंज भी बना सकते हैं, बट डाइनिंग एरिया है क्योंकि लाउंज का प्रॉपर यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है। लाउंज आपके लिए यहाँ पर डिजाइन किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वॉल्स है बड़ी प्यारी डेकोरेट की है, ये सीमेंटी डेकोरेशन है। और इस साइड पे आपको बहुत अच्छे साइज की बड़ी टाइल्स मिल जाती हैं और यहाँ पर आपको दोनों तरफ एक विंडोज मिल जाती हैं जहाँ से आपको गार्डन का व्यू मिल जाता है। प्लस उस साइड पे भी अगर आप देखें तो ये ओपनेबल विंडोज हैं सारी, जिसमें से आप बाहर भी जा सकते हैं। आपको बड़ा प्यारा, अगर यहाँ से आप दिखा सके, मैं विंडो ओपन करके दिखा देता हूँ, बड़ा अच्छा व्यू है। और बाहर इसको आर्टिफिशियल ग्रास से डेकोरेट किया गया है, वॉल्स को भी और नीचे फ्लोर्स को भी, और प्लांटर्स का इस्तेमाल किया गया है। इससे घर में आपको ऑब्वियसली लाइट भी आएगी और एयर भी और ग्रीनरी की वजह से बड़ी अच्छी फील आती है। तो जी हम दोबारा इस एरिया में एंटर हो जाते हैं। बड़ा प्यारा यहाँ पर मुझे फील हो रहा है, बड़ा अच्छा फील हो रहा है, बड़ी ओपन ओपन सी फील है। और क्योंकि आप अगर सारी तरफ देखें तो प्लांटर्स का इस्तेमाल, प्लस उस साइड से भी आप देखें, हम वहाँ पर भी जाएंगे, ग्रीन ग्रीन हर जगह हुआ है।
यहाँ पर अगर किचन डिस्कस कर लें तो जी आपको यहाँ पर कोरियन का टॉप मिल जाता है, कोरियन की साइड भी मिल जाती है, प्रॉपर इसको कवर किया गया है। यहाँ पर आपको फोर्थ क्लास के बर्नर मिल जाता है, वॉश एरिया मिल जाता है, प्लस यहाँ पर आपको हायर का जो है वो डबल डोर रेफ्रिजरेटर मिल जाता है, अभी पैक्ड है ताकि आपके लिए इसको सेव किया जा सके। और यहाँ पर आपके लिए कैबिनेट्स लगाई गई हैं, ये आप दिखा दें, यहाँ पर आप चीजें स्टोर कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर माइक्रोवेव मिल जाता है, प्लस यहाँ पर आप जो है वो बेकिंग ओवन भी रख सकते हैं। तो जी डर्टी किचन यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी आपको सेम वॉश एरिया प्लस हुड भी मिल जाता है, दिखा दें आप, प्लस बर्नर भी मिल जाता है। ये आपका सेपरेट एंट्री एग्जिट फॉर सर्वेंट्स, या आप बाहर ओपन एरिया में जा सकते हैं। अच्छा जी आइए आप बेडरूम देख लेते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आपको मिल जाते हैं जी टू बेड्स, ठीक है। और सबसे पहले हम जो है वो राइट साइड पे जाते हैं, यहाँ अगर आप देखें तो फिर एक स्टेप के साथ आपको वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है, प्लस ये ओपनेबल विंडो है। हम वापस आके इधर जाएंगे और आपको दिखाएंगे, बड़ी अच्छी फील आ रही है, आप देख सकते हैं दीवारों पे भी, और नीचे प्लांटर्स का इस्तेमाल किया गया और वुडन फ्लोरिंग की गई है, और यही फील आपको रूम से भी आएगी। आप देखें कि यहाँ पर आपको वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है, सीलिंग बड़ी डिसेंट की हुई है, आपको साइड्स पे वुडन स्टाइल में सीलिंग मिल जाती है, और ये साइड पे आपको डेकोरेटेड वॉल मिल जाती है। ये एक वाटरप्रूफ शीट का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, और यहाँ पे आपको एक मिरर मिल जाता है डीस शेप में, बड़ा प्यारा सा मिरर है, प्लस यहाँ पर प्लांटर्स हैं, आपको व्यू हर जगह से आप देखें, वहां से भी आप छोटी सी विंडो है, ये ओपनेबल विंडो है, ये आप ओपन करके बाहर जा सकते हैं, प्लस आपको बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है। अब वॉशरूम देख लेते हैं जी, यहाँ पर कैबिनेट्स फुल हाइटेड कैबिनेट्स मिल जाती हैं, बड़ा प्यारा इनका डिजाइन है। नॉर्मली आप देखते हैं कि बिल्कुल सादी सी स्टेट सी होती हैं, बट इसमें बड़ी प्यारी इनग्रेविंग की भी है और डिजाइन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे बताया कि डोर्स की हाइट बहुत अच्छी है, बड़ी हाइटेड डोर्स है और ये प्रॉपर वुडन है। आप वॉशरूम में आ जाए जी, यहाँ पर थोड़ी डार्क थीम रखी गई है, प्रॉपर टाइल्स कवर्ड है। तो सबसे पहले यहाँ पर वैनिटी मिल जाती है, और आपको ये कोरियन टॉप है, बहुत बड़ा सा अच्छा साइज का यहाँ पर मिरर लगाया गया विद बाउंड्री लाइट्स, और डार्क थीम है इसकी, प्रॉपर जो है ना टाइल कवर की गई है टिल रोफ। यहाँ पर आपको सेपरेट जो है वो बाथ एरिया मिल जाता है, प्लस उसमें इंस्टॉल्ड है जी रेन शॉवर। आज जी दूसरे बेड को देख लेते हैं, दूसरे बेड में क्या चीज कैसा डिजाइन किया गया है दूसरे बेड। यहाँ पे मैंने आपको कहा था जी बाहर जाके दिखाएंगे आपको, हम बाहर जाते हैं, आप मेरे साथ आ जाए बाहर ही। यहाँ पे आपको एक स्टेप के साथ जी ये आपको नीचे वुडन स्टाइल में फ्लोरिंग मिल जाती है, वॉल्स आप देख सकते हैं जी इसमें आर्टिफिशियल ग्रास और प्लस इसमें जो है ना वो टाइल का इस्तेमाल किया गया, प्यारी सी लाइट्स यहाँ पर स्मार्ट सी लाइट्स का इस्तेमाल किया गया, रात को बड़ी अच्छी फीलिंग आएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी इसमें लाउंज से भी आपके और दोनों रूम से आपको व्यू आता है, प्लस आप बाहर भी आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हर जगह प्लांटर्स और यहाँ पर ग्रीनरी का इस्तेमाल किया गया टू गिव यू अ बेस्ट फील, ठीक है जी। तो अभी हम सेकंड बेडरूम में जाते हैं, वहां पे देखते हैं जी कौन से कलर थीम्स का इस्तेमाल किया गया है और टाइल्स का इस्तेमाल। यहाँ पे आप देखें जी दूसरा बेड सेम वेल हाइटेड डोर, वुडन डोर, सॉलिड डोर्स, और यहाँ पे आप नोट करेंगे जी टाइल का इस्तेमाल किया गया, वहां पे वुडन फ्लोरिंग थी ग्रे टाइप लाइट ग्रे का, और यहाँ पे भी वॉल में भी जो डेकोरेशन की गई है उसका भी कलर जो है वो टाइल के साथ मैच किया गया है। और आप देख सकते हैं जी उस साइड पे भी, इस साइड पे भी बड़ी अच्छी साइज की विंडोज का इस्तेमाल किया। यहाँ पे भी आप दिखा दें, यहाँ पर आपको अगर क्लोजली आके देखें तो ये तीन प्लांटर्स प्लस यहाँ पर भी आपको आर्टिफिशियल ग्रास जो है ना वो साइड पे मिल जाती है, ये भी आप इनको दिखा दें। और उस साइड पे भी जो हमने एरिया बाहर से देखा था आपको, इस साइड पे भी जहाँ पे यहाँ से अभी बाहर से होके आए आपको वो एरिया निकल नजर आ जाता है, तो बड़ी अच्छी फील आती है, व्यू बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो सेम वही स्टाइल की आपको वुडन फुल हाइटेड जो है कैबिनेट्स मिल जाती हैं विद गोल्डन हैंडल्स। यहाँ पर वॉशरूम में आप देख सकते हैं कि जी लाइट कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, आप थोड़ा अंदर आके दिखा दें जी, लाइट कलर की टाइल्स हैं और थोड़ा सा स्टाइल सेम है बट कलर लाइट इस्तेमाल किए गए हैं। आप ऊपर आपको रेन शॉवर मिल जाता है, सेपरेट जो है शॉवर एरिया मिल जाता है आपको, यहाँ पर आपको टॉयलेट मिल जाता है, और ये आपको बहुत अच्छा बड़े साइज का मिरर प्लस दो वैनिटीज यहाँ पर इंस्टॉल की गई हैं, ये भी आप दिखा दें। आप जो है वो आपको कोरियन टॉप मिल जाता है, ठीक है जी। अच्छा जी चलिए जी, अभी हम हमने ग्राउंड फ्लोर ऑलमोस्ट कवर कर लिया, अब हम फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। और दिस इज अ सिंगल यूनिट हाउस बिकॉज स्टेयर्स जो है वो अंदर से ही ऊपर जा रही है, ठीक है जी।
और ये स्टेयर्स जो है, यहाँ पर स्टेयरकेस आपको आयरन का मिलता है, ठीक है, और आपको सेफ्टी ग्रिल जो है आयरन की मिल जाती है, प्लस जो है वुडन का टॉप यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है स्टेयर्स में। वॉल साइड पे देखें तो जी आपको सारी डेकोरेटेड वॉल मिल जाती है, आप देख सकते हैं टिल रूफ जो है ये डबल हाइटेड है और बड़ी अच्छे डिजाइन की यहाँ पे आपको वॉल मिल जाती है, ठीक है। अभी हम ऊपर चले जाते हैं जी, आ जाएं यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे आपको टाइल के इस्तेमाल जो हमने रूम्स में देखी थी टाइल्स वो इस्तेमाल किया गया यहाँ पर। और ऊपर आते ही जी आपको यहाँ पर बड़े प्यारे से आर्टिफिशियल प्लांटर्स वेलकम करते हैं, और ये पूरी दीवार अगर आप दिखाएं तो पूरी दीवार जो है वो स्टोन्स के साथ डेकोरेटेड है। आपको यहाँ पर आपको जो पूरी ग्रिल मिल जाती है इसमें आपको वुड और ग्लास का इस्तेमाल मिल जाता है, और यहाँ पर जो डबल हाइटेड आपको इसको आप लाउंज कहें या इसको आप डाइनिंग एरिया भी कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ से बड़ी अच्छी फील आती है जी। और ऊपर से आपको घर का जो नीचे से व्यू नजर आ रहा है आप देख सकते हैं बड़ा प्यारा, खास तौर पर जो वुडन फ्लोरिंग की गई है बड़ी प्यारी लगी है, और हर जगह जो ग्रीनरी का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर भी आपको आर्टिफिशियल प्लांटर्स मिल जाते हैं। और अगर हम यहाँ पर ब्रिज की बात करें तो ब्रिज पे भी वुडन फ्लोरिंग का इस्तेमाल किया गया। अगर आप यहाँ से आए तो जो हम नीचे से मिस कर गए थे बात, ये आपको बड़े अच्छे प्यारे से लाइट्स हैंगिंग लाइट्स मिल जाती हैं, जो मेन डोर से हम जब एंटर हुए थे तो यहाँ पर इनका इस्तेमाल किया गया है। प्लस यहाँ पर भी आपको थोड़ा ऊपर से देखेंगे तो जो हमने जो पाउडर रूम देखा था उसके ऊपर भी ग्रीनरी से ग्रीन बेल से आपको डेकोरेशन बनाई गई है, प्लस आपको डेकोरेशन मिल जाती हैं ये बर्ड्स की। हम बेडरूम में एंटर हो जाते हैं जी, ग्रे थीम यूज की गई है यहाँ पर, वॉल डेकोरेट की गई है और नीचे वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है। यहाँ से आपको स्ट्रीट व्यू मिल जाता है, प्लस आपका गार्डन व्यू मिल जाता है, नीचे से आप दिखा दें इनको, ठीक है, अच्छा व्यू है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें अटैच वॉशरूम मिल जाता है, आप थोड़ा सा आ जाएं वॉशरूम दिखा दें आपको। यहाँ पर देखिएगा कि जी स्लैब की जगह यहाँ पर जो है वो कोरियन का इस्तेमाल किया गया है, प्लस वैनिटी मिल जाती है आपको। इसकी बैक साइड पे हम जाएंगे तो हमें शॉवर एरिया मिल जाएगा, शॉवर एरिया में आपको जो है वो ऊपर रेन शॉवर का इस्तेमाल किया गया है, और आप प्रॉपर आपको ये सारी जो है ना वो बड़ी प्यारी पत्थर के स्टाइल में टाइल का इस्तेमाल किया गया है टिल रूफ, आप यहाँ पर शॉवर सेपरेटली ले सकते हैं, प्लस आपको टॉयलेट एरिया मिल जाता है, ठीक है। और मिरर तो आपको दिखा दिया था, बड़ा अच्छा मिरर यहाँ पर लगाया गया। यहाँ पर जी इस रूम में आपको कैबिनेट्स सेपरेट मिल जाती हैं, कैबिनेट्स यहाँ पर आपको सेपरेट मिलेंगी, नॉर्मली वॉशरूम के साथ हमें मिलती हैं, ऐसे का नीचे भी मिली थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी सेम वही वुडन स्टाइल में आपको टिल रूफ जो है मिल जाती है कैबिनेट्स, ठीक है, और वहां पर वो थोड़ा सा ओपन है, प्लस आपको ड्रॉर्स मिल जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप डेकोरेट कर सकते हैं चीजों को। अभी जी हम सेकेंड बेडरूम में जाते हैं और यहाँ से बड़ी अच्छी फील आती है, ओपन ओपन सी आपको व्यू हर तरफ से ग्रीन ग्रीन नजर आता है जी। हर जगह को इस्तेमाल किया गया, प्लांटर्स हर जगह इस्तेमाल किए गए हैं, आप देख सकते हैं जहाँ पे शीशा और साथ ही प्लांटर्स हैं टू गिव यू द बेस्ट फील। यहाँ पर जी सेकंड बेडरूम में आप देख सकते हैं कि जी हम जो नीचे बेड में हमने टाइल्स देखी थी वही सेम टाइल्स हैं, और यहाँ पर एक छोटी सी विंडो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जी ओल्ड स्टाइल को जो है वो रिमाइंड करा रही है, दिस इज विंडो, ठीक है। मैं अगर माय हाइट इज नॉट गुड सो मैं ऊपर चढ़ के इसको खोल के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है जी। ये विंडो है बड़ी प्यारी सी, यहाँ से आप जो है वो नीचे का व्यू भी ले सकते हैं प्लस ऊपर का भी ले सकते हैं। इसको हम बंद कर देते हैं, हम कर देंगे यार, ये गलत बात है ना यार डॉक्टर, ठीक है जी। तो यहाँ पर जी आपको वॉलपेपर का इस्तेमाल मिल जाता है, अगर सीलिंग की बात करें तो आपको सीलिंग यहाँ पर बीच में वुडन स्टाइल की मिल जाती है, यहाँ पर आपको विंडो मिल जाती है, ओपन उत्पाद प्लांटर्स का इस्तेमाल किया गया है, हर छोटी जगह को आपके लिए ब्यूटीफाई किया गया है। यहाँ पर देखें तो आपको फुल हाइटेड जो है वो कैबिनेट्स मिल जाती हैं, और ये ओपन एरिया यहाँ पर दिया गया है, मेरा हाथ बड़ी मुश्किल से खोला जी। यहाँ पर आप आए तो ये छोटी सी ओपन एरिया है, छोटा सा ओपन एरिया है, यहाँ पर अगर आप देखें तो रोशनी के लिए हवा के लिए तो है यहाँ पर, प्लस आप सिटिंग भी कर सकते हैं अच्छे मौसम में, आपको चाय शाय कॉफी शॉपी पीने के लिए बहुत काम आएगी जगह।
ये कुंडी लगा दीजिए बाद में। अगर आप वॉशरूम में आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कलर इस्तेमाल किया गया है, कॉरियल टॉप मिल जाता है आपको, और प्लस आप सारे वॉशरूम में देखा है कि जी सारे जो है टाइल्स टिल रूफ यहाँ पर आपको सेपरेट केबल नहीं मिलता, बल्कि यहाँ पर ही आपको शॉवर मिल जाता है। ठीक है जी, तो अभी चलते हैं जी थर्ड अगर बेडरूम है तो आई थिंक 3 बेडरूम्स हैं ऊपर। टाइल्स आप देख सकते हैं जी सेम इस्तेमाल की गई है, यहाँ पर आपको लाउंज मिल जाता है ओपन लाउंज में, ऊपर आप सेम हैंगिंग लाइट्स, सेम तो नहीं थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल की हैंगिंग लाइट्स हैं यहाँ पर, और दो फैंस मिल जाते हैं। दिस कैन बी अ मीडिया वॉल, बड़ी प्यारी पत्थर से ये दिस इज स्टोन, ठीक है, और ये आपको वॉल मिल जाती है, बड़ी प्यारी खूबसूरत सी लग रही है। और यहाँ पर आपको किचन मिल जाता है, ठीक है जी, और किचन पे कोरियन टॉप है, ये वॉश एरिया, प्लस यहाँ पर आप जो है वो बर्नर वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये देख लेते हैं जी किस चीज का दरवाजा है यहाँ पर, दिस इज स्टोर, आप इसको स्टोर प्लस डर्टी किचन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो स्टेज ऊपर जा रही है, हम ऊपर चल के देख सकते हैं, देख लेते हैं जी सेफ्टी ग्रिल्स आपकी जी, दिस इज वुडन, सॉरी मैंने नीचे भी आपको आयरन बताया था बट दिस इज वुडन, वो भी वुडन थी, और यहाँ पर आपको आयरन केस मिल जाता है, प्लस जो है ना वुडन स्लैब्स ऊपर मिल जाती हैं आपको। और दिस कैन बी अ सिटिंग, यहाँ पर आप सिटिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर इसको बेडरूम भी बना सकते हैं, किड्स का एरिया भी बना सकते हैं, बिकॉज यहाँ से बड़ी अच्छा ओपन व्यू है, और यहाँ से रूफ टॉप पर भी हम जा सकते हैं। सेम वुडन फ्लोरिंग की गई है, वही जो नीचे हमने दीवार देखी थी, सॉरी मैं लाइट्स भी ऑन कर देता हूँ, आप देख लें थोड़ा सा क्लियर व्यू आ जाएगा, तो अभी आप देख सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ से रूफ टॉप की तरफ रास्ता है, तो रूफ टॉप पे अगर हम आए तो यहाँ पर आपको चिप्स का इस्तेमाल भी जाता है जी फ्लोर में, और यहाँ से अगर आप देखें तो जो नीचे हमने डिस्कस किया था उसका बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है, प्लस जो है वो हम देख लेते हैं जी यहाँ पर और क्या, वाटर टैंक मिल जाता है आपको उस साइड पे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम थर्ड प्रॉपर बेडरूम देख लेते हैं, ऊपर तो हमने सिटिंग एरिया देख लिया था, अभी यहाँ पर हम प्रॉपर थर्ड बेडरूम है, ये बेडरूम वही स्टाइल है जो हमने सेकंड देखा था, टाइल भी सेम है, यहाँ पर आपको सेम स्टाइल का आपको जो है मिल जाता है वॉल पेपर, ऊपर वुडन जो है सीलिंग स्टाइल दिया गया है। यहाँ पर देखें तो आपको वही फुल हाइटेड सेम स्टाइल में कैबिनेट्स मिल जाती हैं, और यहाँ पर आप अगर देखें तो जी जैसे हमने नीचे एक बेड में देखा था वो लाइट कलर में था और ये डार्क कलर में है, सेम स्टाइल में आपको ये शॉवर एरिया भी मिल जाता है, और 2 वैनिटीज मिल जाती हैं, बहुत अच्छे साइज का बड़ा सा मिरर मिल जाता है जिसमें आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं जी, आई थिंक हमारा फर्स्ट टूर भी कम्प्लीट हो चुका है। अच्छा जी, यहाँ हमारा टूर खत्म होता है जी। दिस वॉज वन कनाल हाउस लोकेटेड इन DHA फेस 2 इस्लामाबाद, प्रॉपर सिंगल यूनिट हाउस है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आपको 2 बेड मिल जाते हैं, ऊपर 3 बेड मिल जाते हैं, प्रॉपर जो है वो किचन इंस्टॉल किया गया है फर्स्ट फ्लोर पे भी। अच्छा जी, घर की डिमांड है 12 करोड़, और आपने देखा है यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, प्रॉपर वुडन डोर्स हैं, कॉरियन टॉप्स हैं, हर जगह ग्रीनरी प्लांटर्स का इस्तेमाल किया गया है, और पार्किंग में आपको 3 गाड़ियां प्लस लॉन मिल जाता है, हर रूम में और लाउंज में, ड्राइंग में आपको ओपन एरिया मिल जाता है, ओपनेबल विंडोज मिल जाती हैं और लीडिंग टूवर्ड्स ग्रीन एरियाज, सारी जगह पे आपको ग्रीन एरिया मिलता है। उम्मीद करता हूँ जी आपको टूर घर का अच्छा लगा होगा, अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और रब्ता करने के लिए मेरे नंबर पर आप अपने कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए घर के साथ फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।